नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं अरुणा नारुलिया, शासकीय नवीन हाई स्कूल भानपुर भोपाल से। बच्चों, आज हम कक्षा 11 की हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 1 के गद्य खंड की रचना स्पिति में बारिश पढ़ेंगे, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है और इसके लेखक हैं कृष्णनाथ जी। बच्चों, सबसे पहले लेखक परिचय। प्रसिद्ध साहित्यकार कृष्णनाथ जी का जन्म सन 1934 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र से एमए किया तथा वहीं पर अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए। बाद में इनका झुकाव समाजवादी आंदोलन व बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। इन्होंने हिंदी की कल्पना तथा अंग्रेजी की मैनकाइंड पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया। इन्हें लोहिया सम्मान से भी सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु सन 1916 में हुई। बच्चों, इनकी प्रमुख रचनाओं में है लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पिति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बुद्ध निबंधावली। अब इनकी भाषा, कृष्णनाथ जी का हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। उन्होंने शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया। संस्कृत, उर्दू व अंग्रेजी भाषा के शब्दों ने उनकी भाषा के कलेवर को सजाया है। अलंग, आर्तनाद, व्यथा, मान मर्दन जैसे संस्कृत शब्द, बगावत, शरी, जरिए जैसे उर्दू शब्द और इंपीरियल, गजेटियर, असिस्टेंट, रेगुलेशन जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। कहीं कहीं भाषा में ध्रुवता आ गई है। अट्टहास की गर्मी, युवा निमंत्रण, अहंकार को गलाएं, वाक्यांशों के प्रयोग से भाषा में अर्थ ग्रहण की कठिनता आ गई है। कहां जाएं जैसे प्रश्न तथा तर्क से परे हैं, जैसे लघु वाक्यों से भाषा में चंचलता आई है। इस प्रकार उनकी भाषा में सजीवता तथा गंभीरता दोनों विद्यमान है। शैली पर यदि दृष्टि डालें तो विवरणात्मक शैली, इस शैली का प्रयोग इन्होंने निबंधों तथा यात्रा वृत्तांतों के लिए किया है। इसमें विषय की स्पष्टता के लिए वर्णन शैली का प्रयोग भी हुआ है। प्रश्नात्मक शैली, इन्होंने अपने ही छोटे छोटे प्रश्न किए हैं, परंतु उनके उत्तरों की अनिवार्यता को अनुभव नहीं किया, जैसे फिर क्यों रहते हैं, कहां जाएं। भावात्मक शैली, कृष्णनाथ बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं, इस कारण धर्म की चर्चा करते समय वह भावात्मक शैली अपनाते हैं। गरीब व्यक्तियों के दुखों के प्रति वह भावुक हो उठते हैं। चित्रात्मक शैली, यायावरी प्रसंगों का वर्णन करते हुए वह स्थान विशेष के शब्द चित्र साकार कर देते हैं। सूत्रात्मक शैली, सफल पत्रकार होने के कारण घटना आदि के वर्णन में सूत्रात्मक शैली का इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त उनकी शैली में विदेशी शब्द, आंचलिक शब्द, लघु वाक्य, वाक्य शब्दांश आदि के प्रयोग को देखने को मिलते हैं। साहित्य में स्थान, नई पीढ़ी के साहित्यकारों में कृष्णनाथ जी का एक विशिष्ट स्थान है। पहाड़ी क्षेत्रों के जीवन व परिस्थितियों से परिचित कराने के लिए गद्य साहित्य में उनका विशिष्ट स्थान रहा है। कृष्णनाथ जी अनूठे अद्वितीय लेखक हैं। आइए बच्चों, अब हम स्पिति में बारिश, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है, इसका पाठ सारांश पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ सारांश निम्न बिंदुओं के आधार पर है। पहला बिंदु है जिस पर हम चर्चा करेंगे, वह है लाहौल स्पिति का इतिहास। बच्चों, स्पिति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पिति जिले की एक तहसील है। यहाँ ऊंचे दर्रे तथा कठिन रास्ते हैं, इसलिए इसका इतिहास भी कम है। यह क्षेत्र संचार के साधनों से कटा हुआ है। आज भी वायरलेस सेट के माध्यम से ही केलंग और काजा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्राचीन काल में स्पिति भारतीय साम्राज्यों का अंग रही है। यह कभी लद्दाख, कभी कश्मीर, कभी बुशहर, कभी कुल्लू मंडल में रही, तो कभी यह ब्रिटिश राज्य में रही, परंतु हमेशा स्वतंत्र ही रही।
इसकी स्वतंत्रता, रक्षा व सहार सबका कारक इसका भूगोल था। यहाँ जब भी किसी राजा का संदेश वाहक आता तो उसे आते आते वसंत बीत जाता था। स्पीति का तरीका तुपचिलिंग गोनपा जैसा था। यहाँ के लोग जब डायनामाइट का विस्फोट होता तो उससे बचने के लिए वे आंख बंद करके चागमा, जो कि एक पेड़ का नाम है, का तना पकड़कर या एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाते थे। जब धमाका गुजर जाता तो फिर डरते डरते आंख खोल उठकर उठ जाते। जोरावर सिंह जैसे आक्रमणकारी से बचने के लिए यहाँ के लोग घर छोड़कर भाग जाते थे और यही उनकी सुरक्षा शैली थी। आइए अब हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं, वह है स्पीति की जनसंख्या एवं शासन व्यवस्था। स्पीति की जनसंख्या लाहौल से भी कम है। जनसंख्या का घनत्व एक वर्ग मील में केवल 4 व्यक्तियों से भी कम था, जो वर्ष 1901 के प्रति वर्ग मील 2 से भी कम हो गई थी। स्पीति का राज्य 1886 में ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए अंग्रेजी को मिला। 1873 में स्पीति में एक रेगुलेशन पास हुआ जिसके तहत लाहौल को स्पीति को विशेष स्थान दिया गया। उन दिनों इनका शासक एक नोनो, जो कि स्थानीय शासक द्वारा चलाया जाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नोनो कार्य करता था। वर्ष 1960 में स्पीति को पंजाब का तथा वर्ष 1966 में हिमाचल प्रदेश का अंग बना दिया गया। यह देश का सबसे दुर्गम क्षेत्र है। आइए अगला बिंदु है हमारा स्पीति की भौगोलिक स्थिति तथा जीवन की दुर्लभता। बच्चों, स्पीति के चारों ओर दुर्गम पहाड़ हैं जिनकी औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। ये पहाड़ उसे पूरब में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर तथा उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य नदी स्पीति 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर तिब्बत से होती हुई रामपुर, बुशहर, किन्नौर होते हुए सतलुज में आ मिलती है। यहाँ के लोग भीषण ठंड के कारण 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे रहते हैं। यहाँ घर गर्म करने के लिए लकड़ी भी नहीं है। फसल भी एक बार होती है, इसलिए समझ में नहीं आता कि लोग यहाँ क्यों रहते हैं। धर्म या जन्मभूमि के मोह के कारण, मजबूरी के कारण या फिर किस कारण, बिना कारण इसके पीछे तर्क ढूंढना व्यर्थ है। अगला बिंदु है हमारी चर्चा का, वह है बारालाचा एवं मान्य पर्वत श्रेणियां। बच्चों, आप पाठ का सारांश ध्यान से सुनिएगा और पुस्तक से आपको पाठ पूरा पढ़ना है। स्पीति घाटी को उत्तर दिशा से जो पर्वत श्रेणियां घेरे हुए हैं, वह उनकी ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। दो चोटियां 21,000 फीट से भी ऊंची है। इन्हें बारालाचा श्रेणियां कहते हैं। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को मान्य श्रेणियां कहते हैं। संभवतः इसका नाम बौद्धों के नाम के मान्य मंत्रों के नाम पर पड़ा हो। इस प्रदेश में इस मंत्र का जाप भी बहुत अधिक हुआ है। यह मंत्र है ओ मणि पद्मे हूँ। इन पहाड़ियों के मान्य मंत्र का इतना जाप हुआ है कि इसका नाम मान्य श्रेणी पड़ गया। लेखक युवतियों को इस घाटी में आमंत्रित करते हैं। यद्यपि चोटियों की ऊंचाई से होड़ लगाना कठिन है, फिर भी नवयुवकों और नवयुवतियों के लिए यह आना एक अच्छा शौक हो सकता है। यह घाटी बूढ़े लामाओं के पास के जाप के कारण उदास दिखती है। यदि यहाँ युवक युवतियां आकर के लोल करें तो यहाँ का आर्तनाद पिघले और हर्ष फैले। अगला हमारा सारांश का बिंदु है, वह स्पीति में बसंत एवं शीत ऋतु का होना तथा वर्षा का अभाव। स्पीति में लाहौल की तरह दो ऋतुएं होती हैं, वसंत तथा शीत। वसंत ऋतु जून से सितंबर तक अल्पकालिक होती है, शेष वर्ष शीत ऋतु ही रहती है। बसंत जुलाई में यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और शीत में जनवरी में तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बसंत में दिन गर्म होते हैं, रात ठंडी होती है। स्पीति में वसंत लाहौल से भी कम दिनों का होता है। यहाँ वसंत में भी फूल नहीं खिलते, हरियाली नहीं होती। वसंत के अतिरिक्त साल भर शीत ऋतु ही रहती है।
शीत में तो यहाँ के नदी नाले भी जम जाते हैं, हवाएं तेज चलती है जो खुले अंगों में शूल की तरह चुभती है। स्पिति में मानसून नहीं पहुंचता, इसलिए वहां वर्षा की बहार नहीं होती। कालिदास ने ऋतुसंहार में वर्षा ऋतु के जिस ठाट का वर्णन किया है वह यहाँ बिल्कुल नहीं दिखाई देता। कालिदास ने वर्षा ऋतु का अत्यंत श्रृंगारिक और मादक वर्णन किया है, परंतु स्पिति के निवासी इसके लालित्य को नहीं समझ सकते। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियां भरकर तीव्र बहती हैं, बादल बरसते हैं और हाथी चिंगाड़ते हैं। कारण यह है कि यहाँ कभी कभी ही बारिश होती है, परिणाम स्वरूप धरती सूखी और ठंडी ही रहती है। सारांश का अगला बिंदु है वर्षा एक घटना के रूप में। स्पिति में साल में एक ही फसल होती है जिनमें जौ, गेहूं, मटर व सरसों प्रमुख हैं। इनमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं। स्पिति नदी का पानी काम में नहीं आता। स्पिति की भूमि पर खेती की जा सकती है। जब वहां पानी पहुंचाया जाए वहां फल पेड़ आदि बिल्कुल नहीं होते। भूगोल के कारण ही स्पिति वीरान है। वर्षा का होना यहाँ एक घटना के समान है। लेखक एक घटना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब वह काजा के डाक बंगले में सो रहा था तो आधी रात के समय उसे लगा कि कोई खिड़की खटखटा रहा है। उसने जब खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका मुंह व हाथ को छीलने जैसा था। तो बच्चों यह था वर्षा, जो कि एक स्पिति में घटना के रूप में है। ये हमने जो सारांश के बिंदु पढ़े हैं उनको आप ध्यान पूर्वक समझिएगा और पुस्तक से पूरा पाठ पढ़िएगा। आइए अब हम गद्यांश की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। गद्यांश इस प्रकार से है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। इसका क्या अर्थ है? कहीं ये बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है? ओम मणि पद्मे हूँ इसका बीज मंत्र है, इसका बड़ा महात्म्य है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं? अगर नहीं तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों के माने का इतना जाप हुआ कि यह नाम उस श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। आइए इस गद्यांश की व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले संदर्भ। पाठ का नाम स्पिति में बारिश, विधा का नाम है यात्रा वृत्तांत, लेखक का नाम है कृष्णनाथ जी। प्रसंग में लिखेंगे बच्चों स्पिति की पर्वत श्रेणियों का वर्णन यहाँ किया गया है। व्याख्या इस प्रकार रहेगी। स्पिति घाटी को दक्षिण दिशा में जिन पर्वत श्रेणियों ने घेर रखा है उन्हें मानी श्रेणी के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ के निवासी बौद्ध धर्म को मानते हैं तथा बौद्ध धर्म का बीज मंत्र है ओम मणि पद्मे हूँ। इस बीज मंत्र को माने के नाम से जाना जाता है। वह इस बीज मंत्र का संक्षिप्त रूप है। लेखक कहते हैं कि इस बीज मंत्र का बौद्ध धर्म में बहुत महत्व होता है, अतः इस मंत्र के महत्व के कारण ही शायद दक्षिण की पर्वत श्रेणी का नाम माने रखा गया होगा। इन पहाड़ियों पर रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं अर्थात लामाओं ने माने बीज मंत्र का अत्यधिक जाप किया होगा, अतः अत्यधिक जाप के कारण इन पहाड़ियों का नाम माने पड़ गया होगा। यह भी सत्य है कि जो बोला जाता है उसका प्रभाव वातावरण पर अवश्य पड़ता है। शायद इसी दर्शन के आधार पर दक्षिणी श्रेणियों का नाम माने हो गया होगा। तो यह गद्यांश की व्याख्या थी बच्चों, जो हमने समझने का प्रयास किया है। इसी गद्यांश की व्याख्या के आधार पर आप पाठ में आई अन्य व्याख्याओं को भी समझने का प्रयास करेंगे। अब हम इसके पश्चात इसके विशेष बिंदु लिखेंगे। प्रथम बिंदु में लिखेंगे भाषा सरल, सहज और खड़ी बोली है। दूसरे बिंदु में लिखेंगे प्रश्नोत्तर तथा उद्धरण शैली का प्रयोग हुआ है। तीसरे बिंदु में लिखेंगे हिंदी के तत्सम शब्दों का प्रयोग, महात्म्य और संक्षेप है जैसे कि। अब हम पाठ में आए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का भी अभ्यास कर लेते हैं। उसी श्रेणी में हम सबसे पहले सही विकल्प वाले प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, कालिदास ने वर्षा का वर्णन किस रचना में किया था? तो जिसके चार विकल्प हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं। पहला है ऋतु प्रसंग, दूसरा ऋतु प्रहार, तीसरा ऋतु संहार और चौथा है ऋतु संदेश। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऋतु संहार। दूसरा प्रश्न है, लाहुल स्पिति में सुखद संयोग किसे माना गया है? तो इसके भी चार विकल्प हैं, शीत को, वसंत को, वर्षा को या गर्मी को। तो
तो लाहुल स्पीति में सुखद संयोग वर्षा ऋतु को माना गया है या वर्षा को माना गया है, क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत कम अर्थात कभी कभी ही होती है। तीसरा प्रश्न, स्पीति किस राज्य की एक तहसील है? तो जैसा कि हमने पाठ के सारांश में पढ़ा था, यदि आपको ध्यान होगा तो आप इसका उत्तर तुरंत दे देंगे। तो चार विकल्प हैं, पहला हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा हिमाचल और चौथा है राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है स्पीति हिमाचल की एक तहसील है। अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों से लाहुल स्पीति का संबंध किस माध्यम से है? तो इसके भी चार विकल्प हैं बच्चों, क टेलीफोन, ख मोबाइल और ग तार और घ वाला उत्तर है वह है वायरलेस सेट। तो चार जो हमें यहाँ उत्तर दिए इसका सही वाला हमें यहाँ चुनना है। तो अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों से लाहुल स्पीति का संबंध वायरलेस सेट के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न, ओ मणिपद में हूँ मंत्र है, किन का मंत्र है? चार विकल्प है यहाँ, जैनियों का, बौद्धों का, वैष्णवों का और शैवों का। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, यह बौद्धों का मंत्र है। अब कुछ रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्नों का भी अभ्यास कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, बसंत ऋतु में भी रिक्त स्थान मील तक लाहुल स्पीति में जाना कठिन है। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों, बसंत ऋतु में भी 170 मील तक लाहुल स्पीति में जाना कठिन है। दूसरा रिक्त स्थान है, लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन रिक्त स्थान चलाता था। तो जिसका उत्तर है, लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन नोनो जो कि वहां का एक स्थानीय शासक का नाम है वह चलाता था। लाहुल स्पीति के को हिमाचल प्रदेश का जिला बनाया गया, तो कब बनाया गया था यदि आपको याद होगा? तो इसका उत्तर है, लाहुल स्पीति को हिमाचल प्रदेश का जिला 1966 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, लाहुल में ऋतुएं होती हैं। तो लाहुल में केवल दो ही ऋतुएं होती हैं, एक शीत ऋतु और एक वसंत ऋतु। अगला प्रश्न, मध्य हिमालय में रिक्त स्थान पहुंच से परे है। तो मध्य हिमालय में मानसून पहुंच से परे है, क्योंकि यहाँ वर्षा नहीं होती है और होती भी है तो बहुत ही कम होती है। तो मध्य हिमालय में मानसून पहुंच से परे है। आइए सत्य असत्य संबंधी कथन भी देख लेते हैं। कालिदास की वर्षा की शोभा कैलाश में है, यह एक असत्य कथन है। स्पीति में कोई सा फल नहीं उगता, यह एक सत्य कथन है। स्पीति नदी झेलम नदी में मिल जाती है, यह असत्य कथन है। सन 1960 में लाहुल स्पीति को पंजाब राज्य का एक जिला बना दिया गया था, यह सत्य कथन है। जोरावर सिंह के आक्रमण से भयभीत लोग स्पीति छोड़कर भाग गए थे, यह भी बिल्कुल सत्य कथन है। अब कुछ पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर हैं, उनको भी हम समझ लेते हैं, उनको लिखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे बच्चों, इतिहास में स्पीति का वर्णन इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वहां की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थितियां ऐसी नहीं है कि वहां खुलकर रहा जा सके। वहां आवागमन के साधन नहीं है, वह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है जो कि बहुत दुर्गम है। साल में 8-9 महीने बर्फी बर्फ रहती है जिसके कारण बाहर निकलना कठिन हो जाता है। वर्ष में सिर्फ 3-4 महीने के लिए वसंत ऋतु आती है। समय इतना कम होता है कि जनजीवन सामान्य नहीं हो पाता। वहां आधुनिक युग में भी संचार के आधुनिक साधनों का अभाव है, यहाँ मानवीय गतिविधियों का अभाव है, जबकि उल्लेखनीय घटनाओं और मानवीय गतिविधियों से ही इतिहास बनता है। तो इसीलिए यहाँ पर यहाँ स्पीति का इतिहास का वर्णन नहीं मिलता है। अगला प्रश्न, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा बच्चों, स्पीति का जीवन बहुत कठोर है, बहुत कठिन है। यहाँ लंबी शीत ऋतु होती है, 8-9 महीने यह क्षेत्र शेष विश्व से कटा रहता है। यहाँ जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं होती, लोग ठंड से ठिठुरते रहते हैं। यहाँ ना हरियाली है और ना ही पेड़। यहाँ पर्याप्त वर्षा भी नहीं होती, यहाँ साल में एक ही फसल
उगा सकते हैं, जो गेहूं, मटर व सरसों के अलावा दूसरी फसल नहीं हो सकती। किसी प्रकार का फल व सब्जियां पैदा नहीं होती। यहाँ रोजगार के साधन नहीं है। यहाँ की जमीन खेती योग्य है, परंतु सिंचाई के साधन विकसित नहीं है। अतः यहाँ के लोग अत्यंत जटिल परिस्थिति में रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे जीवन यापन करना कठिनाइयों का सामना करना जैसा है। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, आइए समझ लीजिए। स्पिति में बौद्ध धर्म का प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है। बौद्धों के माने मंत्रों का वहां अत्यधिक महात्म्य अर्थात महिमा है। इस स्थान पर इस मंत्र का जाप बहुत अधिक हुआ है। यह मंत्र है ओम मणि पद्मे हूं, इसलिए लेखक इस पक्ष में है कि माने श्रेणी का नाम माने मंत्रों के नाम से ही होना चाहिए। अगला प्रश्न बच्चों, जो कि आपके पटल पर दिखाई दे रहा है, वह इस प्रकार से है। ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, लेखक ने बताया है कि माने पर्वत श्रेणियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है, क्योंकि उनके जाप से यहाँ का वातावरण बोझिल व नीरस हो गया है। लेखक पहाड़ों व मैदानों से युवक युवतियों को बुलाना चाहता है, क्योंकि वह आकर प्रेम क्रीड़ा करें, किल्लोल करें तथा ताजगी का माहौल रहे। इन चोटियों पर चढ़ने से जीवन अंगड़ाई लेने लगेगा। युवाओं के अट्टहास से चोटियों पर जमा आर्तनाद पिघलेगा। अगला प्रश्न है बच्चों, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, लेखक बताते हैं कि स्पिति में वर्षा बहुत कम होती है। इस कारण वर्षा ऋतु मन की इच्छा पूरी नहीं करती। वर्षा के बिना यहाँ की धरती सूखी, ठंडी व बंजर होती है। जब कभी यहाँ वर्षा हो जाती है तो लोग इसे अपना सौभाग्य मानते हैं। वर्षा के दिन को वे सुख का संकेत मानते हैं। लेखक के आने के बाद यहाँ वर्षा हुई। जब लेखक यहाँ आए थे तो स्पिति में वर्षा हुई, तो लोगों ने उन्हें बताया कि वर्षा होने के कारण आपकी यात्रा शुभ है। अर्थात वर्षा यहाँ एक घटना या एक सुखद संयोग है। अगला प्रश्न है बच्चों, स्पिति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, स्पिति अन्य पर्वतीय स्थलों से बहुत भिन्न है। जैसे उनकी भिन्नता के यहाँ 8 कारण दिए हुए हैं। तो पहला कारण है, स्पिति के पहाड़ों की ऊंचाई 13,000 से 21,000 फीट तक की है, ये अत्यंत दुर्गम है। दूसरा है, यहाँ के दर्रे बहुत ऊंचे व दुर्गम है। तीसरा बिंदु है, यहाँ साल में 8-9 महीने बर्फ जमी रहती है तथा रास्ते बंद हो जाते हैं। चौथा बिंदु है, यहाँ वर्षा नहीं होती तथा पेड़ व हरियाली का नामो निशान नहीं है। पांचवा बिंदु है, यहाँ सिर्फ 2 ऋतुएं होती है, बसंत व शीत ऋतु। अगला बिंदु है, यहाँ परिवहन व संचार का कोई साधन नहीं है। अगला जो बिंदु है वह है, यहाँ आबादी बहुत कम है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 4 व्यक्ति रहते हैं। यहाँ पर्यटक नहीं आते, अतः यहाँ का वातावरण उदास रहता है। अब कुछ विषय वस्तु पर आधारित अतिरिक्त प्रश्न, जो कि भी बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर दृष्टि डालेंगे। पहला प्रश्न है, स्पिति में बारिश पाठ का प्रतिपाद्य बताइए। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, आइए समझ लीजिए। यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पिति हिमाचल के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु व भूगोल का वर्णन किया है। ये एक दूसरे से संबंधित है। उन्होंने
दुर्गम क्षेत्र स्पिति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पिति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पिति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। अगला प्रश्न है बच्चों, शिव का अट्टहास नहीं हिम का आर्तनाद है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, लेखक बताते हैं कि पहाड़ के शिखरों पर जो बर्फ जमी होती है उसे शिव की तेज हंसी, अट्टहास का मतलब तेज हंसी का कारण माना जाता है, परंतु स्पति में यह मान्यता लागू नहीं होती। वहां बर्फ कष्टों का प्रतीक है, जीवन में इतने अभाव है कि यहाँ दर्द के सिवाय कुछ नहीं है, यही चीख पुकार दर्द बर्फ के रूप में जमा हो गया है। अगला प्रश्न, स्पति रेगुलेशन कब पास हुआ इसके बारे में बताइए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, स्पति रेगुलेशन 1873 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के समय पारित किया गया। इसके निम्नलिखित प्रभाव थे, पहला प्रभाव इस प्रकार है, लाहौल व स्पिति को विशेष दर्जा दिया गया। दूसरा प्रभाव, यहाँ ब्रिटिश भारत के अन्य कानून लागू नहीं होते थे। तीसरा प्रभाव है, स्थानीय प्रशासन के अधिकार नोनों को दिए गए। अगला है, नोनों मालगुजारी को इकट्ठा करता तथा फौजदारी के छोटे छोटे मुकदमों का फैसला करता था। अगला है, अधिक बड़े मामले कमिश्नर को भेजे जाते थे। आइए अब हम अंतिम प्रश्न पाठ का उसको और देख लेते हैं, समझ लेते हैं। चौथा प्रश्न है, बाह्य आक्रमण से स्पिति के लोग अपनी सुरक्षा कैसे करते थे। बाह्य आक्रमण से यहाँ विस्फोट वाले से भी है, जब विस्फोट होते थे वहां पे, और जोरावर सिंह के आक्रमण से भी है। तो बाहरी आक्रमण से रक्षा करने के लिए स्पिति के लोग अप्रतिकार का तरीका अपनाते थे, वे उससे लड़ते नहीं थे, वहां छोड़कर उसे छोड़कर भाग जाते थे अपना स्थान। वे चागमा और विस्फोट के समय वे चागमा का तन्ना पकड़कर या एक दूसरे को पकड़कर आंख मीचकर बैठ जाते थे तथा आक्रमणकारी या संकट गुजर जाता था तो वे उठकर वापस आ जाते थे। तो बच्चों आज की प्रस्तुति में जो अपन ने हम सब ने मिलकर गद्यांश की व्याख्या समझी, बिंदुओं के आधार पर सारांश समझा है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझे हैं, पाठ में आए प्रश्नों पर भी चर्चा की है और कुछ अतिरिक्त विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न समझे हैं। प्रश्नोत्तरों को और गद्यांश की व्याख्या को आपको अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखते हुए उनका अध्ययन करना है। धन्यवाद।